नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक रूबरू होते हैं आज की पहेली से। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो आप तपाक से कह देंगे चीन की दीवार। यकीनन यही सच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी ही दीवार है जो करीब 83 किलोमीटर लंबी है, जिसके बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं है। पहेली है राजमहलों के वैभव की। ये पहेली है महाराजाओं की लालसा की। सीमाओं के विस्तार के लिए होने वाले युद्धों की। राजशाही के दौर में रक्तपात के डर से महल पर्वतों के शिखर पर बनाए जाने लगे। राजमहल के आसपास अब भेद कलेबंदी की जाने लगी। सुरंगों के अंदर से गुप्त मार्ग बनाए जाने लगे, जिससे दुश्मन किले को फतह न कर सके, किले के अंदर दाखिल होने का मंसूबा भी न पाल सके। हम सभी जानते हैं कि चीन की दीवार का निर्माण 220 ईसा पूर्व चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने करवाया था, जिसका मकसद विदेशी हमलों से मिंग वंश को बचाना था। ये दीवार जो करीब 21,196 किलोमीटर लंबी है, भारत में कुंभलगढ़ का किला भी राणा कुंभा की सामरिक सोच को दिखाता है, जिनकी बनवाई 36 किलोमीटर लंबी दीवारों ने दुश्मनों के मनोबल को तोड़ दिया। इतिहास कहता है कि कुंभलगढ़ के किले का निर्माण 1459 में हुआ, जिस पर विजय हासिल करने का ख्वाब संजोना मौत को दावत देना होता था। कुछ ऐसा ही अरमान था भारत के परमार राजाओं का, जिन्होंने कलचुरी राजाओं के हमलों से बचने के लिए विंध्याचल पर्वत पर एक ऐसी अभेद दीवार बना दी जो आपातकाल में ढाल का काम करती थी। दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन के गोरखपुर में 83 किलोमीटर लंबी दीवार की मौजूदगी मिली है, जिसे 10वीं से 11वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी दीवार ये हो सकती है। इस समय हम रायसेन जिले के गोरखपुर से जो बाड़ी तक दीवार गई हुई है, लगभग 83 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे गोंडवाना काल की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार को ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि परमार और कालचुरी काल के मध्य में ये दीवार को बनाई गई होगी, और ये दीवार महज 83 किलोमीटर लंबी दीवार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के जोड़ से इस दीवार को बनाया गया है। ये दीवार गोरखपुर से बाड़ी तक जाती है। ये दीवार विश्व की दूसरी दीवार के रूप में इस दीवार को जाना जाता है। जब हमने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना, तो हमारी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे सामने भी सवाल था कि अगर ये वाकई 1000 साल पुरानी दीवार है, तो अब तक इसकी ख्याति इतनी क्यों नहीं हुई, इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती। क्या वाकई ये दीवार शत्रुओं के हमलों से महल और प्रजा को बचाने के लिए बनाई गई थी, या फिर ये महज सीमा निर्धारण के लिए निर्माण उसका हुआ था। यहाँ पे रायसेन वॉल के नाम से फेमस एक वॉल है जो काफ़ी एंशियंट है, उसके स्कल्पचर मतलब उसको देखा,
और वो करीबन 80 किलोमीटर लंबी है। कुछ मंदिरों के अवशेष भी देखे, मंदिरों के अवशेष में एलिफेंट वहाँ थे और कुछ मूर्तियाँ भी थी। मैं भी और भी बोलूँगी लोगों को कि ये हिडन है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो हम लोगों के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा लोगों को पता चले कि एमपी में भी ऐसी चीज़ है जो लोग उसको मतलब एक्सप्लोर कर सकें। हमें बताया गया कि दीवार के आसपास कभी राजा मानसिंह का किला हुआ करता था। यहाँ किले और मंदिर के अवशेष जहाँ तहाँ आज भी बिखरे पड़े हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ आज भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हैं, पर कोटा और महल के निशान बने हैं। हो सकता है कि किसी जमाने में कोई रॉयल पैलेस यहाँ की शोभा बढ़ाता हो। देखिए, ये स्पष्ट रूप से परमार शैली से बनी हुई है। सूर्य मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश प्रतिमाएं, शिव की प्रतिमाएं, ये विशेषताएं हैं। सूर्य मंदिर भी है, लोग यहाँ के काली के नाम से जानते हैं, काली के नाम से, वो आस्था का विषय है। यहाँ जो पुराने अवशेष हैं, पुराने नगर के अवशेष हैं या मंदिरों के अवशेष हैं, तालाब के अवशेष हैं, इस दीवार गेट वाला पीट है, इसके अवशेष हैं, इनको किस प्रकार देखा जाए और समझा जाए। कोई भव्य कोई नगर रहा होगा जिसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई है। हम भी करीब 1000 साल पुरानी इस दीवार की पड़ताल करने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से 100 किलोमीटर दूर उदयपुरा पहुंच गए, जहां के गोरखपुर में आज भी राजाओं के रणकौशल के सबूत मिलते हैं। कहते हैं कि दीवार गोरखपुर से बाड़ी के चौकीगढ़ के किले तक जाती है और मोघा डैम के पास आज भी ये दीवार पूरी तरह से सलामत दिखाई देती है, जो अपने वैभव की दास्तान सुनाती है। विंध्यांचल की पर्वतमालाओं में बनी एक अनोखी दीवार जो अद्भुत है, नायाब है, जो अपने वजूद में एक सुनहरे अतीत को दफन किए हुए है। ऐसे करके यहाँ से बाढ़ी चौकीगढ़ की जाल तक गणेश पहाड़ी बापोली के पास और यहाँ से मोघा डैम गणेश पहाड़ी और इसके बाद में सीधा चौकीगढ़ किला, तो ये लगभग 83 किलोमीटर लंबी दीवार, ये बाई रोड है, बाकी इसकी लंबाई ज्यादा है। निवास है, निवास बराबर है, अवशेष है। आज मकान की नींव मिल रही है प्रत्यक्ष में और जो दीवार रही है वो अपनी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था से बनी। आर्कियोलॉजिस्ट भी दावा करते हैं कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर इस दीवार को घने जंगलों के बीच 10वीं से 11वीं सदी में परमार कालीन राजाओं ने बनवाया होगा। कहते हैं कि परमार वंश के राजाओं ने यह दीवार अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बनवाई थी। परमार और कलचुरी राजाओं में अनबन रहा करती थी, जिसके परिणीति युद्ध के रूप में सामने आती थी। कलचुरी राजाओं के हमलों से बचने के लिए ही परमार राजाओं ने इतनी ऊंची दीवार बनाई जिससे दुश्मन राज्य की सीमाओं में दाखिल ना हो सके। क्षेत्र था परमार शासकों की, इसमें आता है वो दूसरे नर्मदा के पार जाते हैं, कलचुरी शासक होते थे वो इस क्षेत्र पे, जो परमार राजा थे इन पे हमेशा आक्रमण किया करते, आपसी इनमें मतभेद था, युद्ध होते रहते थे, तो हो सकता है उन्हें युद्ध से और उनको अपने नागरिक सुरक्षा के लिए ये विशाल दीवार बनाई गई है। काफ़ी इसको नष्ट हो चुके हैं, कोई टूट फूट गए हैं, कोई पत्थर निकाल लिए गए, लेकिन भव्यता से ऐसा लगता है कि निश्चित यहाँ बहुत बड़ा नगर होगा। दावा किया जाता है कि 83 किलोमीटर लंबी ये दीवार कई जगह से टूटी हुई है, फिर भी इसकी ऊंचाई 15 से 18 फीट और चौड़ाई 10 से 15 फीट है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 24 फीट तक बताई जाती है। इसके अवशेष हैं, हजारों मकानों की नींव बनी पड़ी है। अच्छी पत्थरों को जोड़ा गया कौन से विधि से? इंटरलॉकिंग पद्धति है, इसमें चूना सीमेंट का कोई काम नहीं है। एक पत्थर में होल करके ऊपर मुंडी लगा के उसको
सेट किया गया इंटरलॉक पद्धति से। ये 15 से 18 फीट ऊंचाई और 18 से 24 फीट चौड़ाई की दीवार है। इतनी प्राचीन दीवार 10वीं-11वीं शताब्दी की, जिसमें कि आपसी राजा लोग एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते थे, तो यहाँ के राजाओं ने गुण राजा थे उसमें उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए इसको बनवाया। 80-82 किलोमीटर के परिधि में है, तो एक अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था और इसको हमको हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए। यहाँ की ऐतिहासिक दीवार की पड़ताल भारतीय इतिहास संकलन समिति की निगरानी में हो चुकी है। जब हम इस ऐतिहासिक धरोहर की पड़ताल करने पहुंचे तो हमें सांची की बौद्ध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का एक समूह मिला जो रिसर्चर और स्कॉलर थे। ये छात्र गोरखपुर की इस दीवार को देखने और समझने के लिए आए थे। हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ एमपी कह सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ एमपी कहना चाहिए। और ये शायद परमार कालीन या उसके पहले कोई गोंडवाना राजा रहा होंगे उनके द्वारा बनाई गई शायद, ऐसा बताया जा रहा है। वो दीवार एक तो जाती हुई वैसे दिखी कि प्राचीन काल के पत्थर हैं, और उसके इतिहास के बारे में जब पढ़ने को मिला तो पता चला थोड़ा सा जानने पर कि परमार वंशीय शासकों ने उसे बनवाया था। तो ऐसा माना जाता है कि नर्मदा के इस तरफ परमार वंश का शासन था और दूसरी तरफ कलचुरी वंश का, उनके आपस में युद्ध हुआ करते थे। तो इस युद्ध से बचने के लिए शायद परमार वंश ने यह पूरी दीवार अपने पूरे राज्य को सिक्योर करने के लिए बनवाई होगी। यूं तो रायसेन पुरा संपदा के खजाने से भरा पड़ा है। यहाँ सांची, भोजपुर, भीम बैठका जैसी विश्व प्रसिद्ध धरोहर हैं। दावा किया जाता है कि गोरखपुर में कभी राजा मानसिंह का किला हुआ करता था। इस किले के भी 11वीं से 12वीं सदी में बनने के प्रमाण मिलते हैं। इसी किले में सैकड़ों देवीय मंदिरों के अवशेष आज भी बिखरे पड़े हैं, जिनमें भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भैरव देव की 20 भुजाओं वाली प्रतिमा खंडित अवस्था में मिलती है। में हम लोगों को काफी सारे मंदिर के अवशेष टूटे मिले, मूर्तियों के अवशेष, हाथियों के, गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की, तो ऐसे वो देखकर ही लगता है कि बहुत ही प्राचीन है और विशाल एक साम्राज्य और एक किला इस तरह का कुछ यहाँ रहा होगा। और इस पर ASI को अपने हाथ में लेकर और खुदाई और जांच करनी चाहिए तो कुछ बड़ा शायद भारत का यहाँ पर मिल सकता है। हम तो कई पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं भैया, वो भीतरकोट कहलाती। क्या इकाई की मूर्तियां हैं वहाँ? मुद के मंदिर हैं, ऐसे अपने जो राजा हाथी माती की मूर्तियां हैं, मतलब अवशेष पड़े हैं मंदिरों के वहाँ। हाँ, मूर्तियों को देखकर लगता है कि वक्त के थपेड़ों से यहाँ की सभ्यता को सिर्फ खंडहर में नहीं बदला बल्कि किसी आताताई के हमले ने भी इस मूर्तियों और मंदिरों का विध्वंस किया होगा। जैसे किसी युद्ध में यहाँ के राजा के हार जाने पर यहाँ की मूर्तियों को नष्ट किया गया होगा। कहते हैं कि रायसेन की इस अनोखी दीवार को बनाने में लाल बलुआ पत्थर की बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था। इसके दोनों ओर विशाल चौकोर पत्थर लगाए गए हैं और हर पत्थर में त्रिकोण आकार के गहरे खांचे बने हुए हैं जिनसे पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है। ये दीवार वाकई में अनोखी है और पहेलियों से घिरी हुई है। कहते हैं कि गोरखपुर के जंगलों में मिलती ये दीवारें राजाओं की सीमाओं के लिए ढाल का काम करती थीं, जिससे न सिर्फ सरहद महफूज रहती थी बल्कि प्रजा भी खुशहाल रहती थी। ये जो है राजा पूर्व काल में जो लोग जाते थे सेना वगैरह, तो ये मार्ग है उनके घोड़ा गाड़ी निकलने के लिए मार्ग ही हुआ करती में। और जैसे मान लो कि यहाँ भी अगर कोई हमला करता है तो हर एक मोड़ से ये सेना उनका जवाब देने के लिए सक्षम रहती थी। इस दीवार की ऊंचाई से अभेद बनाती है, इसलिए ये तो तय था कि रायसेन की 83 किलोमीटर लंबी ये दीवार दुश्मनों से आवाम को बचाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसकी बनावट इसे बेजोड़ बनाती है।
जो कहती है कि इतने विशाल पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाने की कला का ज्ञान हमारे पूर्वजों को भी था। ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर में हर 2 से 3 किलोमीटर पे इस तरह के मार्ग मिलेंगे आपको युवा का। हाँ, पत्थर सभी ऐसा ही है, बिल्कुल इसी प्रकार के लॉकिंग विधि वाली, लॉकिंग विधि पूरी, कहीं कोई लोहा सीमेंट चूना का कोई काम नहीं। हमने इस दीवार के 83 किलोमीटर के दायरे की परिक्रमा तो नहीं की, लेकिन जानकार बताते हैं कि कहीं कहीं इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि राजाओं का काफिला आसानी से इसके ऊपर से गुजर जाता था। दीवार की ऊंचाई 25 से 30 फीट रही थी, जो धीरे धीरे कहीं टूटती हुई अब कम हो गई है, लेकिन उस समय कोई भी आदमी इस दीवार को फान कर नहीं आ सकता था। और इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर 2 कार आराम से क्रॉस कर सकती थी। मतलब ये सुरक्षा की हैसियत से बनाई गई, सुरक्षा और सीमा निर्धारण, ऐसा जो इतिहासवेद हैं ऐसा जो बताते हैं। जानकार बताते हैं कि इस दीवार को बनाने में चूना गारा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि दीवार के बीच में पत्थर के टुकड़े, मिट्टी और कंकड़ का भराव किया गया है। कहीं कहीं पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे के डावेल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी मंदिरों में प्राचीन कालीन मूर्तियां पाई गई हैं, जो इतिहास को बताती हैं कि ये वास्तव में परमार कालीन और कलचुरी वंश की कालीन के दौरान की ये दीवार का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब की भी जो आर्किटेक्चर है, वास्तु कला है, वो भी उसी समय का प्रमाणित करती है। ये दीवार इतनी लंबी है कि विश्व धरोहर के ये बन सकती है, ऐसा कि इतनी लंबी जो दीवार है कुंभलगढ़ किले की भी नहीं है, जितनी बड़ी है। ऐसा हम भी मानते हैं कि 80 किलोमीटर की है, काफ़ी दूर हम लोग गए हैं, घूमे भी हैं, तो निश्चित ये दीवार प्राचीन है और विश्व धरोहर में लेने चाहिए। यदि हम मंदिरों के अवशेष की साफ सफाई करते हैं तो निश्चित यहाँ कई मंदिरों के अवशेष मिलेंगे, वो पता चल जाएगा परमार शैली यहाँ किस प्रकार से मंदिर निर्माण होता है। कहते हैं अंतिम शासक राजा मानसिंह के वंशज आज भी गोरखपुर में रहते हैं। किले के चारों तरफ कई मूर्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि कई कीमती मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। आज आवश्यकता है इस स्थान की गहन पुरातत्व अध्ययन करवाने की, ताकि ऐतिहासिक कही जा रही इस दीवार की वास्तविकता का पता चल सके। इस दीवार के जीर्णोद्धार के लिए इस स्थान को ASI को अपने संरक्षण में लेना होगा, ताकि राजाओं की ऐतिहासिक विरासत का वजूद खत्म न होने पाए। दीवार से जुड़ी पहेली सुलझ सके और इसका सच लोगों के सामने आ सके। मध्य प्रदेश के रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो हमारी आज की पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? उत्तर है परछाई। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।